नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार ताल ठोक रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार भी कर रही हैं और पिछले लगभग डेढ़ से दो सालों से उन्होंने पृष्ठभूमि जो कांग्रेस की है उसको मजबूत करने का काम भी किया है। यही वजह है कि हाथरस कांड से लेकर लखीमपुर की प्रकरण तक वो हर जगह पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगी रही और उसमें काफी हद तक उनको कामयाबी भी हासिल हुई। हालात ये है कि आज जब एक निजी चैनल के पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि आप कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी ने उसको रोक दिया। ना सिर्फ रोका बल्कि यह कहा कि आप हमें ये क्यों कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कोशिश में कामयाबी हासिल की है, हमारा संगठन आज मजबूत है। यही वजह है कि 15,000 से भी ज्यादा हमारे कार्यकर्ता पिछले डेढ़ साल में सलाखों के पीछे रहे हैं। अगर हमारा संगठन मजबूत ना होता, अगर हमें कामयाबी ना मिली होती, तो ये लोग हम कहां से लेकर आते। सबसे ज्यादा अगर किसी के कार्यकर्ता सलाखों के पीछे रहे तो हमारे थे। इसलिए ऐसे में आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। आप और दलों को तो ये कहते नजर नहीं आते कि वो कोशिश कर रहे हैं, फिर कांग्रेस आपको ऐसे क्यों लगती है कि वो कोशिश कर रही है। हमने कोशिश में कामयाबी हासिल की है, इसलिए अब आप ये ना कहें कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर बात करते हैं तो हमने लगातार देखा प्रियंका गांधी एक्टिव है, लेकिन उससे पहले लगातार कांग्रेस के संगठन को लेकर हर कोई सवाल दागता रहा। बार बार ये कहा जाता रहा कि प्रियंका भले ही कितना ही ज्यादा छलांगे क्यों ना मार रही हो, भले ही उन्होंने कितने ही मुद्दों को उठाने की कोशिश क्यों ना की हो, भले ही उनके मुद्दों को अब और विपक्षी पार्टी के लोग भी क्यों ना उठा रहे हो, लेकिन उनके पास अपना संगठन नहीं है और कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर खुद को मजबूत करने की जरूरत है। संगठन मजबूत होगा तब चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि चाहे 1% का इजाफा हो रहा हो, लेकिन प्रियंका गांधी की मौजूदगी के बाद कांग्रेस के वोट प्रतिशत में थोड़ा इजाफा तो हो रहा है, जो ओपिनियन पोल अब तक सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। अभी तक तो देखिए ये बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस किसी के साथ में गठबंधन करने नहीं जा रही है और कांग्रेस अपने ही दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से, चाहे घोषणा पत्र की बात हो या फिर बेटी हूं लड़ सकती हूं, उस तरह के तमाम स्लोगन्स की बात हो, उसके तहत अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कोशिश की उसमें कामयाबी हासिल हुई। और यही वजह है कि निजी चैनल के पत्रकार को जवाब देते उन्होंने जबरदस्त तरीके से उनके सवाल को न सिर्फ लपका बल्कि उस सवाल को लपक कर उसका जवाब भी कुछ ऐसे दिया मानो ये वो बताना चाह रही हो कि अब कांग्रेस को कोई हल्के में ना ले।